हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास सेकेंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। ओपन योर बुक, कम ऑन पेज नंबर 14। द चैप्टर नेम इज वर्ड्स एंड सेंटेंस। वर्ड्स मीन शब्द, सेंटेंस मीन्स वाक्य। हाफ चैप्टर आपको पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, हाफ चैप्टर मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगी। सो सबसे पहले आप रीड करेंगे। आपको दिया हुआ है पहले एक ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर मेक अप ए वर्ड। जो लेटर्स का ग्रुप होता है उन्हें करेक्ट ऑर्डर से अगर हम अरेंज करेंगे तो वो एक वर्ड बन जाता है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है, ये वर्ड की डिफिनेशन है, मतलब एक ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर मेक अप ए वर्ड। नेक्स्ट है आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर मेक अप ए सेंटेंस। मतलब मीन्स कि जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, अभी तक आपने लेटर्स का ग्रुप हमसे सुना, अब आप सुनेंगे वर्ड्स का ग्रुप। जो वर्ड्स का ग्रुप होता है अगर उसे करेक्ट ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट लाइन, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कम्प्लीट इन इट्सेल्फ एंड मेक सेंस। जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। जो वर्ड्स ये जो वर्ड्स होते हैं यही मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ये जो सेंटेंस बनता है ये अपना एक कम्प्लीट सेंस देता है। नेक्स्ट लाइन है आपकी, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। एक जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। और जो इसका एंड होता है वो फुल स्टॉप से इसका एंड होता है। तो आप एक्टिविटी देखेंगे अपनी, फर्स्ट है ए, लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको ये पिक्चर्स देखने हैं। रीड द क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये क्लूज दिए गए हैं, इनको रीड करना है, उसके बाद ये पिक्चर्स में से जो राइट हो वो यहाँ पे उसका नेम पुटअप करना है। तो फर्स्ट है इट लिव्स इन ए पॉन्ड। यहाँ पे आपको फाइव पिक्चर्स दिए गए हैं, फाइव में से कौन सा पॉन्ड में रहता है, तो डक। ये आपको दिख रहा है डक, डक पॉन्ड में रहता है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे डी यू सी एंड के, ये हो गई डक की मीनिंग। सेकेंड है आपका इट इज़ द बेबी ऑफ ए कैट, या बिल्ली के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फिल करेंगे के आई डबल टी ई एन, किटन। क्या फिल करेंगे, किटन। थर्ड है आपका सी है आपका आई हैव वेरी लॉन्ग नेक। किसकी जो नेक होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिया गया है जिराफ का। तो यहाँ पे फिल करेंगे जिराफ की नेक बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पे फिल करेंगे जिराफ की मीनिंग जिराफ। फोर्थ है आपका आई लव टू ईट हनी, मुझे हनी बहुत पसंद है, हनी में शहद। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे बियर, बी ई ए आर बियर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला आई क्रॉप इन द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में क्रॉप क्रॉक करता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रॉग। फ्रॉग की आप मीनिंग फिल कर देंगे फ्रॉग। बी है आपका रीड इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कलर द बॉक्स ब्लू इफ इट इज ए सेंटेंस। यहाँ पे आपको ये वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं। इसमें आपको जो सेंटेंस है, आप समझते हैं सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। जो सेंटेंस है उसे ये आपको सामने बॉक्सेस दिए गए हैं, उन्हें ब्लू रंग ब्लू कलर से फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है एक कार्टून एम आई एम वॉचिंग आई। तो ये जो हमारा ये जो वर्ड्स ग्रुप वर्ड का ग्रुप है ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा है, तो ये इसके जो फ्रंट में दिया गया है बॉक्स इसे हम नहीं कलर करेंगे। मैंने कलर किया है आप देख सकते हैं। सेकेंड है आपका ए बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच मीन्स होता है गुच्छा और फ्लावर्स मीन्स फूल, मतलब फूलों का गुच्छा।
तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये है फ्रेज। फ्रेज मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तो होता है मगर इसका कोई सेंस नहीं होता है। मतलब इसमें वर्ड्स के ग्रुप तो होते हैं मगर इसका कोई सेंस नहीं होता है, तो ये हो जाता है फ्रेज। तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये है फ्रेज। तो आप इसके फ्रंट में जो बॉक्स दिया गया है इसे नहीं कलर करेंगे। थर्ड है आपका यू कैन ड्रॉ वेल, आप अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके फ्रंट में जो आपको बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर से फिल कर देंगे। फोर्थ आपका है टुमारो इज ए हॉलीडे, कल हॉलीडे है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है। तो इसके फ्रंट में जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये आप ब्लू कलर से फिल कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ है ए ब्यूटीफुल पिक्चर, एक खूबसूरत तस्वीर, ये भी एक फ्रेज है, ये आपको कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो इसके फ्रंट में जो आपको दिया गया है बॉक्स ये आप नहीं ब्लू कलर से कलर नहीं करेंगे। सिक्स वाला है जॉय प्लेज इन द पार्क एवरी डे, जॉय रोज पार्क में खेलता है, तो ये आपको पूरा एक सेंस दे रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, तो इसे आप ब्लू कलर से फिल कर देंगे। मैंने बॉक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। सेवेंथ है ब्लू द स्काई, इसका भी कोई सेंस नहीं आ रहा है, नीला आसमान, ये एक फ्रेज है। इसमें वर्ड्स के ग्रुप तो हैं, 1 2 3, देखिए 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो इसके सामने का हम बॉक्स नहीं कलर करेंगे। एट है आपका ए काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो हम इसके फ्रंट में जो ये बॉक्स दिया गया है इसको कलर करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे लाइन सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। यहाँ पे सेंटेंस है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप सेंटेंस देखिए, लुक एट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखिए, रीड करिए। द सन इज येलो, सूरज पीला हो पीला है। द सन मीन्स सूरज, इज मीन्स है, येलो मीन्स पीला, सूरज पीला है। फिर नेक्स्ट है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत, या आप कह सकते हैं मेरे बहुत दोस्त हैं। फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम, फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। आई हैव टू आइज, मेरी दो आँखें, या आप अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।